किस जगह हो सौरभ में? कहाँ पर हो तुम? नहीं शोरूम में किस जगह हो? आजो सबसे आगे, आजो हरिंदर मनी चंडे सबसे आगे। I'm sorry.
अध्यक्षता के लिए उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत।
अब मैं रविंदर मलिक जी चौधरी साहब से बालियान साहब से निवेदन करूंगा, वो आए और बहुत ही शॉर्ट में अपना विचार रखे। सुधीर प्रधान जी आओ, बहुत बहुत रविंदर चौधरी जी आए और अपना विचार रखे। संजी मुजफ्फरनगर लोकसभा के प्रत्याशी हरिहर मलिक जी और जो हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के समस्त कार्यकर्ता और सोम नाम के मेरे भाई और मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के सामने लोकसभा चुनाव के संबंध में जो आमसभा बुलाई गई है इसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे हरिंदर मलिक जी आपके सामने युवा अवस्था में आज से चार दशक पहले विधानसभा के प्रत्याशी थे, जिनका अपने भारी मतों से जिताकर भेजा था, जो आपके हर समस्या का समाधान करते थे। चार दशक पहले जिस विधायक ने आपके हर कार्य के लिए किसी को हताश नहीं होने दिया, जो इसके पास गए हैं, आज वो समय आया है हरिंदर मलिक जी चार दशक बाद जिन पर आज आखिरी चुनाव मेरे समझ में तो ये की शायद आखिरी चुनाव है। आपने सबसे पहला चुनाव में जिताकर भेजा था, आप इस चुनाव को भी ऐसे मतों से जिताकर भेजेंगे जो इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि सोलह गांव में है चौधरी चरण सिंह जी कर्मभूमि, महेंद्र सिंह टिकेट की कर्मभूमि और सफल मंत्री जी का जन्मभूमि, और ये एक ऐतिहासिक निर्णय जाकर है जिसका हर भाग पंचायत हर समाज की पंचायत के आधार समान होता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे नुमाइंदा सांसद सिटी में मंत्री जी भी है, जिनको हमने पांच साल पहले बड़े अच्छे मेहनत से जिताया, जो कि उनके सामने हमारे ही और उस मंत्री के भी नेता थे, क्योंकि मुजफ्फरनगर में सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह थे, फिर उनके बाद मजीद सिंह थे। और मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ उनसे तीसरे नंबर पर अगर है तो हरिंदर मलिक है, क्योंकि ना इनका सीनियर है ना अनुभवी है, इंसान भाई उससे हर सकता है। आप लोगों को इन सभी चीजों पर ध्यान में रखते हुए आने वाले 19 तारीख को अपना मत जो करना है सही करके चुनाव में सारी मतों दबा कर करना है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ जो पिछले सांसद थे, जो उनका इस सोलन गांव के साथ में रवैया रहा, मैं दिल्ली पुलिस प्रशासन पर चढ़ पर नौकरी करता था और मैंने अपनी नौकरी डाल कर बजा कर मैंने दिल्ली के अंदर एक सभा बनाई थी, जो दिल्ली के अंदर मुजफ्फरनगर के और बागपत के नौकरी करने वाले थे, और उस सभा के अंदर 10,000 आदमी आए थे। मैंने उनको एक दूसरी कहा था कि आप लोगों की का काम है कि जो लोग मुजफ्फरनगर में हैं उनको अपने रिश्तेदारों को, जो लोकदल या दूसरी पार्टी से जुड़े हैं बीजेपी को जिता रहे हैं, क्योंकि वो हमारी भूल थी। और बागपत वालों को कहा था जो मुजफ्फरनगर है उनको, और वो 65 से वोटों में जीते थे, जिनको 8,000 को इस सोलन गांव के माध्यम से ही मिली थी, क्योंकि मैं सोलन गांव का प्रतिनिधित्व कर रहा था दिल्ली में। जिस प्रकार हमारे सांसद मोहित चुनाव जीत कर दिल्ली में पहुंचे, मैं सुबह 5 बजे उनके पास पहुंचा मिठाई का और गुटखा लेके कमल के फूल का। हमारे सांसद मोहित इस सोलन गांव के साथ निर्णय करते हैं, क्योंकि मैं सोलन गांव का प्रतिनिधि बनकर गया था। उस बुके को हाथ में लेने के बाद जिस वक्त मैंने अपना परिचय कराया सोलन गांव से, तो मैंने बुके दूसरे के हाथ में दे करके मुंह फेर लिया, जो कि मेरे सोलन गांव का बहुत बड़ा अपमान किया और जो उसको मैं सहन नहीं कर पाया। उसको सहन न करने के कारण मैं उस चीज को समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं उठाता था। आप क्या उस सांसद को चुनोगे जो आपके
सम्मान मोदी जी को चाहे एक इतने बड़े सांसद जो राज्य लेवल के थे अगर वो उससे कुछ बोल फालतू निकल चला गया अदिति के अंदर। आप लोगों को सोरम निवासियों को बताए कि सोरम गांव के अंदर पिछले 5 साल में संदीप बालियान कितनी बार आता था, इस 5 साल में कितनी बार आपके सोच को क्या आपने गिरना क्रिया नहीं थी, उसने इस गांव का काम किया है नहीं किया, यहां सबको कोई फैसला करना है। क्योंकि संदीप बालियान एक अहंकारी नेता है जो पहले 5 साल में था और दूसरे 5 में नहीं था। अगर आप लोग इस बार भूल कर गए तो अगले 5 साल का आपको मुझे फंडगर में दिखाई नहीं देगा। वो क्या कहता है, मैंने हाईवे बना दिए, मैंने रोड बना दी, ये हाईवे नहीं बनाए, ये आपका खून चूसने का रास्ता बना गया है। क्योंकि तो आपको हर 40 किलोमीटर हर 20 किलोमीटर पर टोल दे रुपए, अगर आप टोल नहीं देंगे तो आपको देखो क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी। अगर वो रोडे बन रही है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा अपनी बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइवेट कंपनी पैसा रोड चालू नहीं हुई तैयार नहीं हुई और टोल वसूलना शुरू कर दिया था गरीब पर। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप इन सभी बातों को एक वो अभिनंदन मलिक है जो अब से 4 साल पहले 85 में यहाँ से विधायक चुन कर गए थे। मैं इसी के साथ उस वक्त सीमित की बड़ी समस्या थी, 12 रुपए कटता आता था, उसका परमिट लेना पड़ता था। हम चौधरी साहब के पास चले गए, उन्होंने कहा था अभिनंदन मलिक आपका एमएलए मानेंगे, मैंने उसको कहा नहीं गए, तो उन्होंने कहा उनके पास जाओ, जो वो मैंने जिस लड़के को वहां लेकर गया था वो अभिनंदन मलिक के पास गया तो अभिनंदन मलिक ने 2 मिनट उनकी बात नहीं सुनी, उनको परमिट बनवा के सीमित का उस वक्त दे दिया। एक वो सांसद है, मैं अपनी लड़की का लखनऊ से दबाव लेके लिए उनके पास गया, उसमें गाजियाबाद का एड्रेस लिखा हुआ था। वो सांसद मोर्चा बोलते हैं कि मैं गाजियाबाद वाले पे तो काम नहीं करता, मैं मुझे फनगर वालों में। मैंने उसको बताया मेरी लड़की सोरम गांव की है, वो वोटर है, आपको वोट दिया है। वो कहता है जिसके ऊपर तो अगर मैंने शादी गाजियाबाद में करी तो क्या कोई अपराध है। सांसद महोदय के पास कोई जवाब नहीं था। मेरा भाई अगर यहाँ सुन रहा हो एक उसका घर भी यही सामने है, कभी वो किसी कारण पास लड़की आग से झुलस गई, वो दिल्ली एडमिट, वहां दुर्घटना के कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने संजीव बालियान जी को फोन मिलाया कि हमारी पोस्टमार्टम के बिना डेड बॉडी दे दीजिए, लेकिन संजीव बालियान जी क्या कहते हैं भाई हम किसी को फोन नहीं करते, आप सीएमओ का हमको फोन नंबर दे दो। उन्होंने कहा हम सीएमओ के पास गए थे, आप 2 मिनट बात कर लो। संजीव बालियान जी कहते हैं भाई बात हम एकांत में करते, ये आपका फैसला है कि आप ऐसे सांसद को चुनोगे जो आपका फोन नहीं करेगा नहीं उठाएगा, या उसका करोगे जो आपसे 4 दशक पहले 12 रुपए इकट्ठा सीमित का प्रवेश आपके छोटी चरण सिंह के फोन के ऊपर देता था। हरिंदर मलिक जी वो शख्सियत है 4 दशक पहले जिसको आप लोगों ने हमारी गलती से, मैं कहता हूँ सोरम की गलती से चुनाव हारा है, मैं उस सूट का दोषी हूँ क्योंकि मैंने 8,000 वोटों की व्यवस्था दिल्ली में बैठ कर की थी। मेरे पास वीडियो है, एल्बम है उस चीज की। हमने उसको चौधरी अजीत सिंह को लोक दल का अध्यक्ष, लोक दल के संस्थापक चौधरी हरिंदर मलिक जी है, फिरोजपुर सम्मेलन के अंदर वो हरिंदर मलिक थे जिन्होंने चौधरी अजीत सिंह को जबरदस्ती लोक दल पेश है, लोक दल एक स्थापना की थी। वो नेता अजीत सिंह जिसको हमारे सांसद महोदय अपनी ट्वीट में क्या कहते थे, मैं तो खजान का खजान हूँ, वो चांदी की जरूरत से करता था हुआ। ऐसा नहीं, चौधरी अजीत सिंह बहुत बड़ी शख्सियत थी, कुछ हमारी गलतियों के कारण चुनाव हार गए, लेकिन मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ और अपने गांव वासियों को बता रहा हूँ, आप सोच लेना और समझ लेना आपके साथ भेदभाव 5 साल की योजना में हुआ या नहीं हुआ। अभी तक भी यहाँ पर नहीं आया, गोहले के अंदर एक रैली करी और वो रैली किसने कराई, जो भी दिल्ली में उसका सब इंस्पेक्टर था और वो भी मेरे साथ मिला हुआ था,
उस वक्त हम दोनों ने मिलकर उसको 8,000 वोट दिलवाई थी, लेकिन उसको किसी कारणवश उसने तोड़ लिया और वो राजेंद्र मलिक है, वो मलिक साहब के संपर्क में है, ये उससे अपनी बात लेने को बात कर रहे। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, हरेंद्र मलिक जो 4 दशक पहले एक छोटे से विधायक थे, अगर किसी को निराशा हुई होगी तो वो खड़ा होकर बता सकता है ये कैसे नेता है। आपकी उस निराशा से हताश नहीं होंगे। वो एक ऐसा सांसद था इसी चौपाल के अंदर, मैंने एक वीडियो देखा था पिछले चुनाव से पहले, वो हताश था, बिल्कुल हताश था, अपनी भाषा को अच्छी पा रहा था, लेकिन उसने शेरम साहब के साथ जो न्याय किया। मैं एक बार कोरोना काल में किसी को लेकर चलेगा, ये कोरोना से पीड़ित है, ये दिल्ली पुलिस में नौकरी करता है, इसकी थाने में नौकरी है, तो आप लाइन का सवाल करो। वो कहते हैं कि हमारी परंपरा नहीं कि हम किसी का टेलीफोन करें, लेकिन चंद लोगों का मैंने देखा है तराइन में और ऐसी जगह जो जहां मलाईदार खड़े होते थे उनके सवाल ले किए जाते थे। लेकिन वो कहता था चिट्ठी ले जाओ, मैंने कहा चिट्ठी की कोई वैल्यू नहीं, आप एक फोन कर दो काम हो जाए। वो कहता हम फोन करते नहीं, लेकिन मैंने देखा ये कारण वो नहीं है, कारण हताशा इसकी वो है कि सोरम गांव से इसको 1400-1500 वोट कम मिली थी, ये उसकी हताशा मनिहास है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ इस बार अगर आप लोगों ने गलती कर ली तो जो इस बार आपने फोन नहीं उठाता, फोन नहीं करता, कहते हमने सड़कें बनवाई, अपने भाई ने बनवाए रेलवे, अरे रेलवे स्टेशन क्या बनवाए हैं, वहां जाते हो तो हम कौन लगता है। पहले ऐसा नहीं था कि भारत सरकार रेलवे स्टेशन पर, कल मैं यूट्यूब पर भाषण सुन रहा था गृहमंत्री जी का, गृहमंत्री जी कह रहे हैं हमने 210 रुपए से किसानों का 340 एमएसपी कर दी। अरे हमारे बेवकूफ क्यों बना रहे हो, हमारा 370 पहले से है, आपको क्या सोचा है किस आधार पर आप हमारे आगे बढ़ा रहे हो। हमारे को यूरिया का कट्टा 10 घड़ी से उसको 45 रुपए ले, राकेश शर्मा जी का सभी भाई प्रदर्शन का स्वागत कर रहे हैं। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करता हूं, क्योंकि मलिक साहब को चुनाव का समय है, बहुत जगह जाना है, मैं आपको सिर्फ एक ही कह रहा हूं, एक अहंकारी को छोड़कर एक ऐसे नेता को चुनना हर में अहंकारी नहीं है, और आपके साथ सुख दुख में काम आएगा और काम नहीं, आप इस मुजफ्फरनगर के अंदर हरिंदर मलिक से कोई सीनियर नहीं, चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह के बाद अगर सीनियर और अनुभवी नेता है तो हरिंदर मलिक है। जय हिंद जय भारत। माननीय हरिंदर मलिक जिंदाबाद, माननीय हरिंदर मलिक जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। धन्यवाद रविंद्र बालियान जी। अब मैं आगे चौधरी तनवीर प्रधान जी से निवेदन करूंगा, वो आए और वो भी अपने विचार रखें। चौधरी तनवीर प्रधान जी, आदरणीय मंच और दूर दराज से आए एमपी साहब के साथ ही मैं उनका गांव में आने पर इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई थोड़ा नीचे कर दो भाई प्रधान जी, डर रहे हो, डर रहे तुम, यहां आज इतनी भीड़ होनी चाहिए थी हम अपने लोगों की, लेकिन डर है, डर क्यों नहीं निकाल ले तुम, लंबा ना बोल लो, थोड़ा बोल लो, थोड़े थोड़े से बोल लो, गर्मी बहुत है। नहीं तो हम तो तुम कह रहे तुम, तुम्हारे लोग यहाँ कम क्यों है, तेरी गलत फहमी, तेरी गलत कोई इलाज है, इसे डर को निकाल दो, और मेरा और तुम्हारा चुनाव है, कौन जाने कौन है, हम निकाल ले गलत फहमी, ये हमारा तुम्हारा चुनाव है, क्यों भाई हमारे वाले कम खड़े, एक मिनट दे दे मुझे, नहीं एक मिनट दे दे, अरे सुन तो, गलत नहीं है भाई,
एक मिनट बात सुनो, हम तो सारे उसी के थे, रिंदर के नाम पर आ रहे, गलत फहमी ना पाओ। टीका छोड़ के क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में टीका टिप्पणी नुकसान पहुंचा देते हैं, हम सब एक है, उसको ले जाओ। टीका टिप्पणी बिल्कुल नहीं हो रही, हम तो ये कह रहे कसेरे वालों से मैसेज फोन लेना चाहिए हमें। कसेरे में कोई भी नेता आता है तो वहाँ सब लोग इकट्ठे होकर उनका प्रोग्राम करवाते हैं, रोड एक जगह डालते हैं, तो हमें अपने गांव वालों का भी ऐसा ही वो करना चाहिए कि हम सब मिल गए अपने नेताओं का स्वागत करें और वे खुश होकर जगह में। लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव एमपी साहब यहाँ चुनाव 70-30 का होगा, 70-30 का होगा चुनाव, आपका 70 का रहेगा और 30 का दूसरे कैंडिडेट का रहेगा, ये हम आश्वासन आपको देते हैं। इसी के साथ हम अपनी वाणी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। अब मैं निवेदन करूंगा चौधरी सुधीर प्रधान जी से, वो आए वो भी अपने विचार रखे। सुधीर प्रधान जी भाई, शेर कह दूं, एक तनहा आवाज है मलिक, गरीबों की आवाज है मलिक, एक रम ये सब जानते हैं, कमजोरों के हमराज है मलिक। माननीय हरेंद्र मलिक जिंदाबाद। बहुत हमारे लोगों का शुक्रिया, बहुत अच्छा हमने एक बात तो यह है हमारे भाई बहुत कोशिश है, बहुत गर्मी है यहाँ। फिर दूसरी बात, किसान खेत में है, कोई एक बोरा तो कुछ कर रहा, फिर भी बहुत तादाद में लोग आए और हमारे से जाते हमारी बिरादरी कोई जाट से दबा वोट कर रही। अगर साल अगर कोई एमपी की क्षेत्र में रह रहा है उसकी मजबूरियां भी समझो, अगर साल कोई रह रहा तो कोई ना कोई किसी ना किसी काम से चला जाए और फिर नजर भी झुका ले, पकड़ा दो हाथ में। अगर आज में आज हुए पंचायत मुझे बोलना चाहिए बात नहीं करती ना मैं बोलता कभी, अगर आज हरिंदर में लिखना होते तो चुनाव का पता लग जाता क्या हो। सुधीर प्रधान, सुधीर प्रधान 2014 बना देता फोरम में, आज चुनाव 2,500 रुपए जीत के जा रहे और क्या चाहूंगा जैसे हम कौन बढ़ेंगे आज में वोटों को बनाऊंगे मुसमन करेंगे जितने खाओगे इस नाम पे। और चुनाव बता दो 19 तारीख को हम कैसे लड़ा रहे, और बड़ी बात को हम कहेंगे हमारे विरोधी भी है काम में छिट जाएंगे, क्यों उनको भी जोड़ लगो और क्यों हमारे पर लगो, हमें चुपचाप अपना काम कर लो। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छे विचार रखे हमारे सुधीर प्रधान जी ने भाई। प्रोग्राम बहुत लंबे हैं, रोजे से लोग हैं ज्यादातर। अब मैं जो गांव का कोई व्यक्ति आना चाहे अपने विचार रखना चाहे मैं उससे निवेदन करूंगा वो आ जाए और अपने विचार रखे। सलमान प्रधान सुधीर प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि कोई आदमी कोई बताए कोई और जिसे बुलवाना चाहते हैं। मैं राजे ठाकुर जी से निवेदन करूंगा वो आए लेकिन अपने विचार रखे। नहीं बात भाई, मैं अब मैं निवेदन करूंगा सुरेश बालियान जी से, वो
विचार रखे। किसे निकाल वाले माइक को वो निकल लो मलिक साहब आ रहे और वो ऑफिस आ रही है जो मुझे ऑफिस ऊपर के लिए पहले दी थी। रही बात में माने होते हो किसी को लड़ने की नजर हो ना हमें किसी की लड़ने की जरूरत कोई नहीं हमें कोई सलाम भी करने के लिए मेरा नाम सुरेश हमने कह रहा और एक आदमी को मिल गया अगर वो हमें तो माने कोई सुरे एक दिन चीज लड़ने तो उनके भाई ऊपर वाला माइक निकाल के और की कासम चौधरी जी आसम प्रधान जी से गुजारिश इसमें लगा दो सम्मानित मंच आगे को करते हैं भाई हम तो एक ही बात कहना चाहते अरे यूनो वही चल रहा देखो सब भाई आपस में मिलकर चुनाव हमारा बहुत अच्छा चल रहा बहुत बढ़िया चुनाव है बहुत ताकत से चुनाव लड़ेंगे और सब भाई मिलजुल के 36 बिरादरी सब अपने गांव में खूब बढ़िया तरीके से एक दूसरे को खूब जो हमारे विरोधी भी है उन्हें मनाओ कोई दिक्कत नहीं है। भाई एक बात तो बताओ हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी हमें दूसरे को नहीं देखना दूसरे को देखना सांसद जी को हम तो अपनी जिम्मेदारी के साथ इंशाल्लाह सांसद जी को बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ाओगे जी खूब अच्छा धन्यवाद बहुत अच्छे विचार रखे हमारे कासम प्रधान जी के हमने निवेदन करूंगा अखिला चौधरी सोरम आए वो भी अपने विचार रखे इसके बाद में फरमान चौधरी तैयार हैं प्रधान जी फरमान चौधरी तो बराबर में बैठे हैं खालियो आज के इस कार्यक्रम के हमारे आदरणीय हरिंदर मलिक जी सोरम तो मुसलमान लोग तो एक तो वोट इसी के नाम एक तो वोट इलाज बनने ही है किसी को बैठ रही हो 5,000 रुपए 4,000 रुपए 10,000 रुपए जय जवान जय किसान बहुत अच्छे विचार रखे हमारे भाई साहब ने हम मैं फरमान चौधरी से निवेदन करूंगा वो आए और अपने विचार रखे आज की सभा के अध्यक्ष जी और माइक में चक्कर जी मेरे भाई बुजुर्ग दोस्त और सभी नेतागण और यहाँ पर आए सभी नौजवान साथियों बुजुर्गो सभी को आदाब मैं कहना चाहता हूँ कि हरेंद्र मलिक जी बहुत अच्छे नेता है जमीन से जुड़े हुए नेता है ये लोकल के नेता है यही के रहने वाले हैं कहीं बाहर के नहीं है आप लोगों के बीच में रहने वाले हैं इसलिए मेरी आप सभी से यही गुजारिश है कि आने वाले 19 तारीख को भारी मतों से चौधरी हरेंद्र साहब को जिताकर यहाँ से भेजें और भारी से भारी वोट करें। मन में सबके अरमान नहीं होता मन में सबके अरमान नहीं होता हर कोई दिल का मेहमान नहीं होता पर हरेंद्र मलिक जी दिल में समा गए हैं अब इन्हें भूल जाना आसान नहीं होगा। रजनीश चौधरी विकास बालियान जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचार रखे। अरे निकाल दो भाई से निकाल दो भाई देवेंद्र मास्टर जी भी आ जावे आदरणीय अध्यक्ष महोदय सम्मानित दूर दराज से आए विभिन्न स्थानों से हमारे अतिथिगण हम सबके लोकप्रिय नेता आदरणीय हरेंद्र मलिक जी जो बहुत ही दारू कर्मठ और एक खानदानी नेता है ये कोई एक्सीडेंटल नेता नहीं है जिनका कार्य करीब 40 वर्षों से हम सबकी लोगों की जनता की
निस्वार्थ सेवा करते हैं और हमारे जितने भी समस्याएं उनका निराकरण कराते हैं और अधिकारी पर इतना जबरदस्त इनका इतना जबरदस्त अधिकारी के ऊपर इनका तालमेल रहता है कि अपना काम जो है ये करा देते हैं। मैं एक बार संत राशि में जब हमारे यहाँ डालने मलिक साहब यहाँ से विधायक बने कोई हमारे बोलने में कोई कनेक्शन नहीं था बिजली का। कभी कह रहा था 7 साल पहले वे कटवा दिए गए थे तो मोहल्ले में कोई कनेक्शन नहीं था तो हम लोग मेरे साथ में वोट थे मलिक साहब के मकान पर गए अभी एमएलए थे वहां से खतौली से और आपने तुरंत जो आपके मुझे फरनौर में बैठते थे ब्रह्मपुरी में शायद एसडीओ थे डीएस काबू उन्हें तुरंत लेकर पैड पर लिख कर दिया और तुरंत जो है 5 कनेक्शन उन्होंने हैंड टू हैंड करा दिए जबकि उस टाइम कनेक्शन कराना बहुत मुश्किल होता था। तो बहुत ही जुझारू कर्मठ ईमानदार और निस्वार्थ सेवा करने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद हैं मलिक साहब। मैं उनको अपने गांव की तरफ से पूर्ण रूप से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम तन मन धन से पूरे प्रयास से निर्भीक और निडर होकर चुनाव लड़ाएंगे आपको और एक ये आश्वासन भी दिलाना चाहता हूं विपक्षी लोगों को कि बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे कोई भी बूथ कैप्चरिंग नहीं होने देंगे एक एक वोट जो है डलवाएंगे अपनी और कोई फर्जी वोट हम नहीं जो है उनको डालने नहीं देंगे। तो मैं सभी ग्रामवासियों की तरफ से एमपी साहब को यह आश्वासन दिलाता हूं कि हम हर तरह से तन मन धन से आपको जिताएंगे। धन्यवाद। इसके बाद मैं निवेदन करूंगा जितेंद्र प्रधान जी से वो आए और अपने विचार रखे। जितेंद्र प्रधान जी इतने आए शेर सुना दू छोटा सा ये ना समझो कि आलास से डर जाएंगे बात इज्जत पे आई तो मर जाएंगे। हमको अपनी जान से प्यारा है ये इलेक्शन आज इस पर आई तो सैकड़ों सर जाएंगे। जितेंद्र प्रधान जी विकास बालियान जी इसके बाद आ जाए अरमान भाई कोई और गांव में कोई भी व्यक्ति अपने विचार रखना चाहे कोई अपना सुझाव रखना चाहे अपनी बात रखनी चाहे तो रख सकता है स्वतंत्र है और नहीं है तो भाई बहुत लंबा कार्यक्रम है रात को 10 बजेंगे और डेली का काम है एमपी साहब का। अब मैं निवेदन करूंगा ठाकुर साहब से वो आए और बहुत ही सूक्ष्म शब्दों में अपने विचार रखे। ठाकुर साहब सम्मानित मंच मैं अपना परिचय दे दूं। पहले मेरा नाम प्रदीप ठाकुर गांव से दौड़ा मैं खतौली विधानसभा से यहाँ उपचुनाव लड़ा था निर्दलीय। तो कवा यू जो चुनाव हो रहा है यहाँ एक नेता जमीन का है एक नेता दंगे की पैदाइश का है। तो जो कवाल कांड का भूत जो कवाल कांड का भूत मुजफ्फरनगर खतौली विधानसभा का घूम रहा था वो आपके छोटे से बेटे रवा रवा तो शायद आप जानते भी ना हो कोई रवा बिरादरी भी है 28 है मेरे वहां गांव और 6 यहाँ है। पर्चा अब गरीब बंगा रहा था लोकसभा का
अब क्या कैंसिल कर दिया, छह इन गांवों में सर 28 मास है। हम रवे जो हैं ये भाजपा के दलित हैं, तो हमें भाजपा का दलित बनना जा, सबसे पहला वोटर है भाजपा का रवा। जब से वो भाजपा बने संसद से लेकर संसद तक हम भाजपा को वोट करते आ रहे हैं। लेकिन कमाल उठाने का भूत खपुंदी में रवि ने कहा था बिना वोट के मुख्यमंत्री ने मुझे बिठाया कि तू छोटा ठाकुर अंदर बड़ा ठाकुर मेरे सिर पर हाथ तेरा मेरा उत्पाद बैठा रहे सिर्फ और उसमें गवाह है कि रवा राजपूत तू उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिस्सेदारी मिलेगी। वो वादा राज का वादा सब खत्म, किसी के वादे में ना जाइयो, किसी धोखे में ना जाइयो। जमीन का नेता चुनो, दंगे का नहीं। कमाल कांड का वो रवा राजपूत ने तार दिया और मैं बहुत माड़ी कौन सा है न खड़ा, तुमको माशाला कौन सा हो, डरने की क्या जरूरत है, किससे डर रहे। मैं खड़ा रवा राजपूत छह गाँव में 28 में दिगर देख लियो और आज गले को पाती और दी कि ये तो शिखंडी है, ये तो शिखंडी है मान्य सांसद जी ने, पर जब शिखंडी कह दिया तो शिखंडी का पूरा काम करेंगे, पिता माँ को धरती पर लुटा के मर लेंगे। हमारे ठाकुर साहब ने इन्होंने बताया कि अहंकार को मिटाना है। अब मैं निवेदन करूंगा क्योंकि मैं जो हमारे मुफ्ती साहब है मौलाना नजर साहब है ना, मैं कसेरों में बुलवाऊंगा। मैं निवेदन करूंगा राकेश शर्मा जी से, वो आए और अपने विचार रखे। राकेश शर्मा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और चेयरमैन भी कुछ ही वोटों से हारे, इनकी भी से नगर पालिका मुजफ्फरनगर दिया। धन्यवाद अक्रम भाई, इस चुनावी सभा में उपस्थित हमारे बहुत ही होनहार कर्मठ जुझारू और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता आदरणीय नरेंद्र मलिक जी, आदरणीय अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच, आदरणीय मुफ्ती साहब और सामने खड़े सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बहुत समय हो गया है और इतनी धूप में इतनी गर्मी में आप सब लोग खड़े हैं। मैं बहुत थोड़े से समय पर अपनी बात कह करके बात पूरी करूंगा। ये सोरम गांव में लगभग सन 90 से मेरा आना जाना रहा, बहुत लगभग 20 या 25 लड़के यहाँ के मेरे साथ पढ़े लिखे हैं। मेरी सबसे बात हुई जो प्रधान जी बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बात है कि लोग सामने नहीं आ रहे, वोट बहुत मिलेंगे। मलिक साहब को आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये जो अहंकार है जो अभी हमारे ठाकुर साहब ने कहा, इस बार लड़ाई किसी पार्टी की नहीं है, क्षेत्र में पार्टियों की लड़ाई नहीं है, एक जमीनी नेता की और एक हवाई नेता की लड़ाई है। हमारे एक भाई ने अभी सही कहा, ये जो खाली ये इसी क्षेत्र की बात नहीं है, दंगे की पैदाइश जितने नेता है अब की बार वो सब हवा हवाई होने जा रहे। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि मलिक साहब एक बहुत पुराने नेता है और इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनके मुकाबले का किसी भी पार्टी में कोई नेता नहीं, मुझे कहने में इस मन से कोई गुरेज नहीं है। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे महान व्यक्तित्व को, ऐसे अच्छे नेता को जो सबको साथ लेकर चलने की बात करे, हिंदू मुसलमान की सबकी बात करता हो, सभी जाति धर्मों का सम्मान करने वाला व्यक्तित्व हो, ऐसे व्यक्तित्व को आप लोकसभा में भेजने का काम करें। इस मुजफ्फरनगर की जो मोहब्बत है उसे बचाने के लिए मलिक साहब ने बहुत प्रयास किए और आज वो दिन आ गया 19 अप्रैल का। तो आप सब लोग इंडिया गठबंधन के प्रति, मैं आपको बता दूं जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्हें चौधरी साहब से तो वैसे कम ही वोट मिले थे, बेमानने से हरा दिया था, एक अलग बात है, लेकिन अगर उतनी भी वोट मान ली जा उनमें से घटी रही बढ़ गई नहीं रही, और कोई जाति ऐसी नहीं, कोई धर्म ऐसा नहीं जो उनसे उनकी वोट घटना रही हूं। और ये आप इन विचारों को तो मुस्लिम समाज के लोगों को अत्याचार करके उनमें कुछ अमन कर रहे, हाथ जोड़ रहे, भाई वो मेरे और मुझे वोट दे दो मैं काम करूंगा,
ये शर्म नहीं आती इन लोगों को कि अपमान करके अब किस मुंह से वोट मांगने जा रहे लोग। ये सब बात भूली नहीं जाती, अपने मन में हर बात को रखकर अपनी वोट बार जिस दिन हमारी पड़ेगी 19 अप्रैल में सबको अपनी वोट डालनी है। निडर होकर के सारी ज्यादा से ज्यादा वोट डाल दो सभी जातियों बिरादरियों में। जहां जिस गांव में भी आप जाओगे ऐसे ऐसे भी गांव है जहां जाट नहीं लेकिन 70-70% वोट मलिक साहब को मिली उस गांव 70-70%। यहाँ चौधरी साहबान के गांव भी नहीं है और यहाँ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 60-70% वोट इस गांव में भी मलिक साहब को मिलेगी सारी मिला करके। बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है, कोई आपको डरने की आवश्यकता नहीं, कोई करने की आवश्यकता नहीं। ये अहंकार अब की बार निश्चित रूप से टूटने जा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद। जय समाधि। बहुत अच्छे विचार रखे हमारे राकेश शर्मा जी ने। भाई कुछ तो तासीर मोहब्बत में हमारी होगी, दोस्त तो दोस्त दुश्मन से भी यारी होगी। तू फरेबी है तो बदकिस्मती है तेरी, हम पर अगर हक कहे तो जीत हमारी होगी। आपके लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय हरेंद्र मलिक जी, विकास बालियान जी आ रहे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो सांसद जी से पहले अपने विचार रखेंगे। मैं तो सोरम तक अडानी जरूरत नहीं ना लोग फूल इतना जीतना नहीं गाते जीतकर जहां तक मेरी आवाज सुनी पूजा की योग्य माताओं बहनों और नौजवान साथियों, आज सौरभ की ऐतिहासिक चौपाल पर जिंदगी में दूसरी बार मैं वोट के लिए आया हूं। चौपाल पर तो पता नहीं कितनी बार आया मेरा एमएलए का कार्यकाल, तो चौपाल पर बीता 15 मिनट यहाँ बैठकर बात करते थे। और मेरे यहाँ जब 85 में यहाँ पंचायत हुई थी और सौरभ की मिट्टी से मुझे राजनीतिक जीवन मिला, यही तय हुआ था मैं एमएलए बन गया। दोस्तों आज पूरा मैं सौरभ के बाद उन लोगों से प्रार्थना करना आया हूं, अगर मेरी सेवाओं में कमी रही हो तो मुझे कंसीडर मत करो। मैंने आपको अपमानित किया हो तो कंसीडर मत करो, मैं आपके लिए तत्पर ना रहा हूं तो कंसीडर मत करो। और मेरी राम राम को, मेरी सलाम को, मेरी नमस्ते को, मेरी हाजिरी को और मेरे काम को देखते हुए, और क्या एहसान आपने पहला किया था, कहा जाता है कि जो आदमी पेड़ लगाता है उसे कभी सूख नहीं देता, ये राजनीतिक पेड़ हरिंदर का तो आपने ही लगा। हरिंदर मलिक जिंदाबाद, हरिंदर मलिक जिंदाबाद। हमारा क्या है, आपका साथ है तो हम सबसे तकड़े और आपका साथ हट जाए तो हम सबसे कमजोर। मैंने कभी पूरे जिले के किसी आदमी को अपमानित नहीं किया, पर यार मुझे तो याद है इसी सोच दो नारे बोलने के ऊपर एक नौजवान को मारा गया था, पीटा गया था, कार में डाल दिया था और बाहर बाहर जाके छोड़ा था, शायद इसी सोच में हुआ था ना जी जी। और उसके बाद यही थी के बाद ये रुकियो अगले दिन भट्टे पर तोप तमंचों के साथ राइफल बंदूकों के साथ पंचायत हुई थी और देखने की धमकी भी थी। जाट का स्वभाव यह नहीं होता कि तब करके वोट करते हैं, माफ करना। देखिए मैं किसान और तबेरे वर्ग का वकील हूं, जाति की बात नहीं करता, पर सत्यता यह है कि जाट का स्वभाव तो ऐसा सुना था मैंने पश्चिम उत्तर प्रदेश के आदमी का कि सम्मान करोगे, सम्मान में तो कुर्ता भी निकाल के दे दे और धमका के चाहो तो उसे बर्दाश्त करता है। और अगर सौरभ करने लगा तो मान तो कर दी गा तो इनके एक छोटा है मोहला उनको पढ़ी उनको भाग जाके हरियाणा। दोस्तों जब आदमी विपत्ति आती है सौरभ की तरफ देखता है, आज फिर विपत्ति हम आई है, मैं सौरभ की चौपाल में खड़ा होकर के आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, सहयोग मांगता हूँ, आपसे मदद मांगता हूँ,
और इस आश्वासन के साथ मांगता हूं कि आपके द्वारा दी गई मदद को किसी सरमाएदार के हाथ गिरवी नहीं रखने का, आपके सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने की, जिंदगी में कभी कोई ऐसा काम नहीं करूं कि आपको शर्मिंदा होना पड़े कि हमने इसे वोट दिया था और इसलिए गलत काम कर दिया। हम पर बहुत आरोप लगाए गए, हम पर आरोप लगा कि उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को मुख्यमंत्री को वोट नहीं दी, पर ये बावले भूल गए। वो चुनाव नवासी में हुआ था, जो मुलायम सिंह जी के साथ थे सब मंत्री बने, हम तो मंत्री नहीं बने थे। फिर मुझे 93, 96 में टिकट क्यों दिया था जब मैंने वोट नहीं दिया? तो आप सहमत हो गए कि मैंने वोट दिया था, साथ रहा था, इसीलिए तो मुझे 93, 96, 96 में टिकट दिया होगा, या खिलाफ को टिकट देते हैं कोई? कोटला मैदान में अध्यक्ष तो आपने चुना था, दिल्ली के कोटला के मैदान में अध्यक्ष तो आप चुन रहे थे, अध्यक्ष भी हम ही लोगों ने चुने थे। दोस्तों, एक बात मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, हम आपके साथ जो हुआ उसे ये भूल करके, ये सोच करके भूल जाते हैं फोरम के आदमी के साथ क्या हुआ। भाई सत्यता तो यह भारतीय जनता की पुरानी अदावत है, हम लोग जो चरण सिंह परिवार का बेहद सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं, मेरठ जांच संसद में गया तो इन पर कसे और जवाब मैंने दिया, पर जब वो चौधरी चरण सिंह जी ने किसान मसीहा कहा गया है, वो चरण सिंह अगर राजनीति में ना होते तो हरिंदर मलिक जैसे लोग कभी एमएलए भी ना होते। ये सच्चाई है, किसी जाति का गरीब किसान का लड़का एमएलए प्ले कर सकता था, सरमाएदारों की तिजोरी में बंद थी राजनीति, इसे बाहर निकाल कर लाने का काम चौधरी चरण सिंह का था। दोस्तों, ये तो ऐसी भाजपा है कि इन्होंने आपके उम्मीदवार तो इतने बहादुर आदमी है, मैं तो डरता हूं, कहीं ना कहीं षड्यंत्र कर रहे हमारे खिलाफ, मुझे माफिया बताने लगे, साठ पुस्त में एक उम्र था हमारे खिलाफ भी हमें माफिया बता, और डरता इसलिए भी हूं जिस सम्मानित परिवार की पोत्र वधु चौधरी चरण सिंह जी की पोत्र वधु जो हमारी बेटी और बहन के बराबर थी, और बहन और बेटी के ऊपर आदमी सिर कटा दिया करता है, उसके सम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचाता, गांव में से विरोधी बहन बेटी को उसे भी आदमी अपनी बहन बेटी समझता है, उसके ऊपर भी उन्होंने नंगला गुंडा खेड़े में हमला किया था, आज भी मुकदमा चल रहा है, और हमला किया था और सरकार के नशे में, सत्ता के नशे में चूर होकर के जिन लोगों ने सोच करके के चार चौधरी नहीं ये हमारी इज्जत है उसकी रक्षा की थी, उन्हें जेल भिजवाने का काम इन्होंने किया था, 14-14 दिन जेल में रह करके जमानत कराकर लोग आए थे। आज तक एक शब्द अफसोस का जाहिर नहीं किया, उन लोगों ने भी समाप्त नहीं किया। और दोस्तों, वही क्या 750 किसान शहीद होंगे उनके मामले में एक शब्द नहीं बोले, ड्रोन से किसान के ऊपर हमला करा जाता, आंसू गैस के घोड़े छोड़े जाते, आज किसान को आतंकवादी खालिस्तानी दंगई कहा जाता है और किसान से वोट की उम्मीद करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं बड़ी विनम्रता के साथ कि आदरणीय सांसद जी, आप उस समय कहां थे? आप छपार में खड़े होकर के उस महान संत के परिवार को गरिया रहे थे, चैलेंज कर रहे थे, चुनौती दे रहे थे, जिन्होंने किसान को आवाज की पहचान दी। मेरा मतलब सिसोनी परिवार से, टिकैत परिवार से, पहली बार इतिहास कि मुजफ्फरनगर का कोई मंत्री या कोई एमपी खड़ा होकर के लाठी चलवा गोली चलवा, पहली बार इतिहास में हुआ कि बुलडोजर में बैठ करके तहसील मुढ़ाटा में जा और सबको धमका में, पहली बार ऐसा हुआ कि किसी थाने के बाहर खड़ा होकर के भोरा कला थाने पर खड़ा होकर के ये कह गए कप्तान पुलिस बीच से हटा ले, हम देख लेंगे आखिर अपने असली रंग में आएंगे, लोगों को देखना तो आपका पुराना काम है। दोस्तों, राजनीतिक आदमी का काम नहीं है, किसी राजनीतिक आदमी ने कहा हो क्या? आपके यहां लक्ष्मण सिंह एमएलए रहे, मैं रहा, धर्मवीर बालियान रहे, राजपाल जी है, सुधीर बालियान रहे,
सगवा सिंह त्यागी रहे, किसी ने बोल नहीं किया ऐसी बात। दोस्तों हम ये जानते हैं कि हमें आपको नमस्ते करके, आपके काम करके, आपके पाए तो बैठ करके वोट मिलती है, बहुमत मिलती है। ये जानते हैं कि इन्हें धमका करके वोट मिलती है, इसलिए ये सोरम के नौजवान को डारा बोलने पर पीट करके गाड़ी में डाल देते हैं, अगले दिन फिर बंदूक राइफल की नोक पर पंचायत भी कर देते हैं। सोचना आपको है, रोजगार के सारे खाते में नौजवान को रोजगार मिल नहीं रहा, पढ़ाई महंगी होगी, दवाई महंगी होगी। आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे लिए नहीं अपने लिए नहीं, कम से कम बच्चों के भविष्य के लिए सरकार को उखाड़ने का काम करो और मुजफ्फरनगर लोकसभा में एक ऐसी मिसाल पैदा कर दो कि हमारा प्रतिनिधित्व वो करेगा जो हमारी पाए तो बैठ कर राजनीति करेगा, जो हमें नमस्ते करेगा। लाठी डंडे का नेता नहीं चाहिए, ये आपका नारा होना चाहिए। सौरभ बहादुरों का काम, ऐतिहासिक काम, हमारी धरोहर यहाँ है, सारी धरोहर किसानों की, सब कुछ सौरभ से सीखते। आपने एक सवाल भी किया उससे आज तक भाई उन बच्चों का, जिन्होंने तीसरी बार कहना, जिन्होंने नारे बोल दिए थे, उनका कसूर क्या था? गाड़ी रोक करके पूछ लेता भाई क्या करो, गांव में बड़े बुजुर्गों कह देता कि इन्हें समझाओ ऐसा ना करें, मैं भी आपका हूँ, ये क्या तरीका है कि बार पीट कर दी और फिर भी वोट मांगते हैं, तो उनकी भी हद है, उनकी भी सीमा है, और जो उन्हें वोट देने की बात करते हैं उनकी भी हद है, उनकी भी सीमा है। और एक बात मैं जरूर कहता, अभी सुधीर भाई कह रहे थे कि कुछ लोग सामने नहीं आना चाहते, सुधीर जी और उन सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना है, लोकतंत्र में यही तो एक ताकत है। 19 तारीख को आप बटन दबा लियो, 19 तारीख की शाम को सबको पता लग जाएगा कौन जीत रहा है, और जीतने सावित्री का नाम आऊंगा। आज पूछ लो किसी से, मैं अभी एक प्रेस के साथी से कार में बात कर रहा था, वो कह रहा था ये तो धमका है, हमने कहा ये तो इनकी अदावत है, बाहर तो बात में धमका के तो हम तो कमजोर है, बाहर जोड़ कर पोषण निकल कर वोट मांग रहे। और अजीत सिंह जी के चुनाव से चुनाव को ना तोड़ दो, अजीत सिंह बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता थे, बड़ा एहसान था उनका हम लोगों के ऊपर, अगर अजीत सिंह ना होते तो हमारा वो लोग जिसमें नहीं भी लगाने का तो कोई दूसरा स्वीकार ना करता। हम 15-20 MLA भी 50 MLA डोलते थे पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पर अजीत सिंह मंत्री थे, उन्होंने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, नए नए लगे, अगर बुढ़ाना तितावी मिल ना होता तो गन्ना भाई हम लोग तो मंसूरपुर के बाहर बैठे रहते, वो गन्ना ले और हमने कहती गन्ना दो उस आदमी के चुनाव में, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को भूल रही, वो बड़े नेता थे, हम बड़े कार्यकर्ता है, हम जमीन पर रह करके, और मुझे फर्क है इस बात का कि मेरा साथी सिर कटवा सकता, गद्दारी नहीं कर सकता, और कुछ भी हो हट नहीं सकता, एक एक वोट कट कट करके डलवाऊंगा, कट कट करके चुनाव करना हो चुका है। आज प्रमोद त्यागी कह रहे थे ये चुनाव जनता लड़ रही है, सच्चाई है कि चुनाव जनता ही लड़ रही है, पर ऐसा आतंक मैंने किसी का देखा नहीं जैसा आतंक हमारे वर्तमान MP साहब का है। मुझे माफिया बता रहे, मैंने पूछा भाई दो काम कर रहे हैं भाजपा वाले माफिया कह के, एक तो दुनिया से विदा कर दे और एक मुकदमे में फंसा दे, मुकदमे तो मेरे पास है नहीं, अब 67 साल की उम्र को कौन यकीन करेगा, इतना प्राप्त कर दिया और भाई मैंने दुनिया से विदा कर दिया तो घी के बदले में, घी के बुलाओ में कपास ना खा दिए, मेरे में फिर जमा। मेरे बहुत समर्थक ऐसे हैं जो जवाब देना जानते हैं, जवाब देने का प्रयास करेंगे, हम तो रहे ना रहे पर इस जिले का सम्मान सदा बड़ा रहेगा, सदा बड़ा रहेगा। मेरी अंत में फिर सोरों के लोगों से प्रार्थना है कि आपने राजनीतिक वृक्ष पेड़ लगाया था, पौध लगाया था, आज 40 वर्ष के करीब हो गए, 39 साल हो गए, 85 की बात,
अब बिना आपके पानी और खाद के पेड़ बढ़ नहीं पाएगा। आप पेड़ सुखाना चाहते हो बढ़ाना चाहते हो, आपको फैसला करना है। मैं वादा करता हूं कि अपने आप काम से कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। मेरा सर कभी सरमाएदार की डोरी पर नहीं रुकेगा, आपके दर पर रुकेगा, आपकी बातों में बैठ के रुकेगा। अब क्या विश्वास करूंगा? सुन पाओ, सच्ची बताओ, करोगे काम? बात पूरा लेकर बात सुनो, अगर आप मेरे साथ रहते हो मुझे बुलाओगे। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इस आशा के साथ और इस प्रार्थना के साथ, चुनाव आपका है, आपके दिनों में जीरो, आप साथ हैं तो हीरो हूँ। भाई यार फिर एक बार जीरो तो हीरो ही बना दो, क्यों जीरो छोड़ दो? मैं चौधरी एसएम जी से निवेदन